हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए फिर से एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। एक्चुअली थोड़ा तबीयत के इशू के वजह से रेगुलर नहीं हो पा रही थी, पर आज आप लोगों के साथ एक क्विक यमी और हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो आप लोग 5 मिनट में बना सकते हो। चिकन चुरमा की रेसिपी को बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे, तो प्लीज़ पूरा रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 1/2 टीस्पून बटर डालेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, करीब 1 टीस्पून, और दोनों को मिला लेंगे एक साथ। अब तेल के गर्म होने के बाद एक सूखा मिर्च और एक तेज पत्ता डाल देंगे और गैस के फ्लेम को लो से मीडियम तक ही रखिएगा। अब इसके बाद ये बॉयल किया हुआ चिकन है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, इसको भी हम डाल दिए हैं। अब हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और लाल मिर्च पाउडर भी 1/2 टीस्पून डाल देंगे और सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद रोस्टेड पीनट है ये, इसको भी हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच, और ये चुटकी भर गरम मसाला है, और सबको एक साथ फिर से मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को अभी लो कर दीजिएगा। अब जो ये तेज पत्ता है इसको हम निकाल लेंगे, इसका जो फ्लेवर है वो मसाले के अंदर मिक्स हो गया है। साथ में ये 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और ये कुछ चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज है, सिर्फ एक ही हमने डाला है इसमें। अब सबको एक साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें बॉयल किए हुए एक को ग्रेट करके डाल देंगे। यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा बनाया है इसलिए उसी हिसाब से हमने क्वांटिटी को रखा है, आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा। अब एक के साथ हम सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल देंगे, कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब लास्ट में चॉप किए हुए धनिया की पत्तियों को डाल के मिक्स कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। और ये बहुत ही इजी स्नैक्स है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और इजी के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी है। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट पे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हार्डली 5 मिनट ही लगता है इसको बनने में, उससे भी कम। तो आपको अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस रेसिपी के लिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और एक न्यू रेसिपी के साथ।